है, हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि पहले से ये नहीं था, बाद में कुछ एडिशनल फाइल उसमें लाइब्रेरी ऐड किया जाता है, उसके बाद ही आप हाइबरनेट के प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। बट हाइबरनेट के प्रोग्राम से आप क्या सब चीजें कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से आप जानते हो कि डेटाबेस क्या होता है। मैंने आपको डेटाबेस के बारे में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, डेटा स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, सभी तरह का ऑपरेशंस मैंने आपको काफी तरीके शॉर्टकट तरीके से भी बताया था, कोडिंग के थ्रू भी बताया था, JDBC में बताया था, सबनेट में बताया था, JSP में भी आपको बताया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या कि ये चीज हम हाइबरनेट के थ्रू कैसे करेंगे। मतलब क्या कि अभी तक जितने भी कोडिंग हमने डेटाबेस से रिलेटेड किया था, सभी में एक पार्ट आपने देखा होगा कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना होता था तो MySQL का सिंटैक्स आप लोग यूज करते थे, यस और नो, है ना? यानी आपको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता था तो आप डेटाबेस से का जो MySQL का सिंटेक्स होता है उसी का आप यूज करते थे। अगर डेटा इंसर्ट करना होता था तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, आप जो SQL का क्वेरी आप लिखते थे ना कि इंसर्ट इनटू टेबल का जो भी आप नाम देते थे, और फिर वैल्यूज दे के आप जो भी वैल्यूज देना चाहते थे, फेच करना होता था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो कंप्लीट डेटाबेस का भी आप जो काम भी हम जावा से भी कर रहे थे, फिर भी जावा के अंदर हमें ये कोड लिखना पड़ता था, यानी MySQL के सिंटेक्स यूज किए बिना हम डेटाबेस के काम को नहीं परफॉर्म कर पाते थे। लेकिन जब हाइबरनेट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हम बिना एसक्यूएल सिंटैक्स हम यहाँ पे कोडिंग में तो कहीं यूज ही नहीं करेंगे। अगर आपको टेबल क्रिएट करना भी है, टेबल क्रिएट आप कर सकते हो आप, लेकिन वहां पे कोई भी हम MySQL का जो क्वेरी होता है जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, वो सब चीजें हमें कुछ भी नहीं करना पड़े। इसकी वजह से आपका यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि हर काम आपको जावा में ही करना हो तो कैसे किया जा सकता है। मतलब हाइबरनेट का मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, और डेटाबेस के बारे में आप सब कुछ आप जानते हो, आप जितना हमें जावा में जरूरत है मैंने उसके बारे में काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे मुझे टेबल क्रिएट करना हो और डेटा स्टोर करना हो, फेच करना हो, हर काम हम करेंगे, लेकिन MySQL का सिंटेक्स कहीं पे भी हम यूज नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, वो है हाइबरनेट। आई होप कि आपको मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया कि हाइबरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस कर सकते हैं बट विदाउट यूजिंग एसक्यूएल सिंटैक्स। एसक्यूएल का क्वेरी हम कहीं भी कोडिंग में हम नहीं लिखेंगे, और कैसे होगा देखते हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि मैं भी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि एक एक प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, अभी डायनेमिक नहीं ले रहा हूँ। जब इसको मैं सर्वलेट और JSP के साथ जब लिंक करूंगा उस वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायनेमिक वे प्रोजेक्ट लेना है, बट एज फॉर नाउ हमें जस्ट सिंपल सा एक प्रोजेक्ट लेना है, जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया Hibernate 1, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो, नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। यानी सिंपल सा जैसे कोर जावा में प्रोजेक्ट किया करते थे, या JDBC में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया करते थे, कुछ उसी तरीके से मैंने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका काम ये होगा कि हाइबरनेट के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल लाइब्रेरी फाइल आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को JDBC के बारे में बता रहा था कि वहां पे एक MySQL कनेक्टर हुआ करता था, और वो MySQL कनेक्टर को मैंने जार फाइल कहा था, जावा आर्चिव फाइल भी उसको कहते हैं। उस फाइल को जिस तरीके से आप एडिशनल फाइल था और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे वो ऐड करना होगा। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, लाइब्रेरी सेलेक्ट होगा और ऐड लाइब्रेरी, और यहाँ पे यूजर लाइब्रेरी नेक्स्ट करना है, और कनेक्टर यहाँ पे कैसे बनता है मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ। फिर फिनिश करके ओके किया कर किया करते थे तो ये मेरे पास कनेक्टर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे डेटाबेस से ही कनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये मैंने कनेक्टर तो ऐड कर दिया, लेकिन मुझे हाइबरनेट का जो जार फाइल्स हैं, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उसको भी ऐड करना होगा इसी प्रोजेक्ट में। तो उस आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे हाइबरनेट जार फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स आएंगे, कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोगों को जो वीडियो एक्सेस आपको मिलता है वहां पे भी आपको वो चीज मिल जाएगा, मैं वहां पे भी डाल दूंगा। तो आप वो चीज कैसे होगा, अभी फिलहाल मेरे सिस्टम में वो है तो कैसे हम यूज हम करेंगे, देखो कैसे ऐड करेंगे हाइबरनेट के जार फाइल्स को। राइट क्लिक कर किया मैंने प्रोजेक्ट पे,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ को सेलेक्ट किया, इसमें लाइब्रेरी रहेंगे और ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये तो कनेक्टेड था और कनेक्टेड को मैंने ऐड कर दिया है, बट हमें एक और एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे यूजर लाइब्रेरीज में जाना है और यहाँ पे न्यू एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया हाइबरनेट जार, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट फोल्डर का नाम होता है। और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास एक फोल्डर तो बन चुका है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड जार्स बटन पे क्लिक कीजिए तो ये आपको लेके आएगा, फिर आपके सिस्टम को ओपन करेगा और कहाँ पे आपने रखे हुए हो। तो ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, हाइबरनेट जार करके मैंने रखा हुआ है। ये सभी फाइल्स हैं जो हाइबरनेट का लाइब्रेरी फाइल्स है। इसको आपको सभी को सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, कुछ इस तरीके से ओपन होगा और फिर यहाँ पे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हाइबरनेट जार यहाँ पे टिक हो चुका है और जैसे आप फिनिश करके ओके करेंगे ये भी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ना कम हो ना ज्यादा हो, प्रॉब्लम हो सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे हाइबरनेट का जार फाइल हमने ऐड कर दिया है, कनेक्टर भी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अब हम कोडिंग कैसे करेंगे, अब मैंने यहाँ पे MySQL जो मेरे पास है ना, यहीं पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस में सिर्फ क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम मान लो मैंने दे दिया हाइबर, ठीक है, जो भी आप जो भी नाम दे, हाइबर डीबी दे दिया और क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे हाइबर डीबी तो मैंने दे दिया, इसके अंदर कोई भी टेबल अभी आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में 0 इंडिकेट करता है क्या कि यहाँ पे कोई टेबल है नहीं। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है जावा के थ्रू। लास्ट टाइम भी हमने JDBC में ये चीज देखा था, लेकिन वहां पे MySQL के सिंटेक्स यूज करते थे। अगर टेबल क्रिएट करना होता था तो हम उसके अंदर में हम लोग लिखा करते थे वहां पे इंसर्ट इनटू या क्रिएट टेबल, जो भी लिखा सब पूरा MySQL का सिंटेक्स लिखा करते थे जावा में। लेकिन अब हम बिल्कुल भी MySQL का सिंटेक्स यूज नहीं करेंगे और फिर ये सब चीजें कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले सपोज आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो क्या कि एक ऐसा टेबल बनना चाहिए, वो टेबल जो होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए क्या कि कुछ इस ऐसा एक टेबल में बनाता हूँ जहाँ पे हमारे पास, ये मेरा टारगेट है कि ऐसा आपको ताकि समझने में आसानी होगी, कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल एक होगा जिसमें मान लो कि एक मैंने ले लिया EMP ID, एक होगा EMP का फर्स्ट नेम और इसमें होगा लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। टेबल का नाम मुझे देना है EMP नाम का एक टेबल हमें बनाना है, ठीक है, EMP नाम का एक टेबल बनाना है। तो ये टेबल का नाम, उसके अंदर में ये 3 फील्ड्स होगा और जो भी आप डेटा आप देते चलोगे वो इसके अंदर सब स्टोर होता चलेगा। ये मेरा टारगेट है और ये कहाँ बनेगा, ये सभी बनेगा कहाँ पे बनेगा, डेटाबेस में बनेगा। तो डेटाबेस में पहले से बना के रख दिया हूँ और डेटाबेस का नाम मैंने क्या दे दिया है, हाइबर डीबी नाम का मैंने एक डेटाबेस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये तो मैंने बना लिया है, लेकिन अब मुझे ईएमपी टेबल कैसे बनेगा, उसके अंदर ये सब फील्ड्स कैसे आएगा, अब वो चीज आप समझिए। अभी आप यहाँ पे देखो कि जो आप यहाँ पे टेबल का नाम हमने जो रखा है क्या कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल क्रिएट हो वहाँ पे हाइबर डीबी नाम के डेटाबेस के अंदर, वहां पे टेबल का नाम ईएमपी होगा और उसके अंदर में ये 3 फील्ड्स होना चाहिए। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आप एक क्लास क्रिएट कर लो आप यहाँ पे। तो कैसे हम क्लास क्रिएट करेंगे वो देखिए, हमने यहाँ पे क्या रखा कि यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, राइट क्लिक करते हो, जैसे सिंपल तरीके से आप क्लास क्रिएट करते हो सेम उसी तरीके से आपको क्लास क्रिएट करना है। कुछ पैकेज का नाम आप दे दीजिए और क्लास का नाम वही रखो जो आप चाहते हो कि आपका टेबल बने, ठीक है। टेबल का जो नाम हो वही उसी नाम से आप यहाँ पे क्लास का नाम भी आप यहाँ पे दे दो। और अभी फिलहाल इसको इसका सिर्फ मॉडल क्लास हम बनाएंगे, यानी इसमें कोई मेन मेथड वगैरह नहीं लेंगे और सिंपली हमने यहाँ पे फिनिश कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या फील्ड्स चाहिए, यानी वहां पे जैसे था एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वही सब वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो। आई इंटीजर में हमने ले लिया क्या EMP_ID ले लिया, प्राइवेट में हमने स्ट्रिंग में ले लिया क्या फर्स्ट नेम और LNAME, ठीक है। और इसके लिए सेटर एंड गेटर बनाना है क्योंकि प्राइवेट में है तो आप डायरेक्टली वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, तो राइट क्लिक करते हुए आपको क्या करना है यहाँ पे
सोर्स में जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड पे क्लिक करना है, और ये तीनों ऑप्शंस आपके पास दिख रहा है, तीनों को आप टिक कर दो कि तीनों के लिए मुझे गेटर्स एंड सेटर्स मेथड जो बना के दो, और सिंपली हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके पास ये चेक सब कुछ बन चुका है। अब मेरा सिंपल सा टारगेट ये था कि मुझे ईएमपी क्लास बनाना था, ईएमपी टेबल बनाना था, तो मैंने उसी के नाम से क्लास बना दिया। जो जो फील्ड्स वहां पे चाहिए था उस नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, सभी के लिए सेटर एंड गेटर बना दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे हर चीज एनोटेशंस के हेल्प से होता है। एनोटेशंस का मतलब क्या होता है आप उस चीज को समझिए। एनोटेशन का सिंपली मतलब यहाँ पे क्या लिखना होता है, जैसे आप देखो ईएमपी है, ये कैसे टेबल में इंटरनली बनेगा, ये टेबल कैसे बनेगा, आपको इसके ऊपर जस्ट एक कीवर्ड आपको लिखना है, एट द रेट एंटिटी, एंटिटी लिखना है, ठीक है। ये इनबिल्ट एनोटेशंस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। अब इस एनोटेशंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे, एक सेकेंड के पॉज ले। राइट, तो एंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, एट द रेट एंटिटी लिखना है। अब ये एरर आपको दिखा रहा है, ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए, एरर दिखा रहा है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो आप इसको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे, शॉर्टकट कीज भी है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, या आप कर्सर को यहाँ पे भी रखोगे तो भी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट ओ अगर आप यहाँ पे करते हो तो ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आपके पास आएगा, बट बारीकी से ध्यान देना है। आपको लगेगा क्या कि हाइबरनेट लिखा हुआ है तो इसी पार्ट को लेना चाहिए क्योंकि हम लोग हाइबरनेट सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको ऊपर वाला लेना है, जावा एक्स परसिस्टेंस डॉट एंटिटी, ये लेना है आपको, ठीक है। अब एंटिटी का काम क्या होगा बहुत बारीकी से समझना। एंटिटी एट द रेट एंटिटी ये आइडेंटिफाई कर देता है कि यस आप जो क्लास यहाँ पे आपने जो यहाँ पे क्लास को जो बनाए हो, जैसे ये रन होगा इंटरनली डेटाबेस में जाके वही टेबल का नाम बन जाएगा। क्लियर होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आप चाहते हो क्या कि एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो होना चाहिए क्या प्राइमरी की सेट होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, एट द रेट आईडी, आई कैपिटल होगा। आप चाहते हो क्या कि एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट भी हो, तो एट द रेट, एट द रेट यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, जनरेटेड वैल्यू, कुछ इस तरीके से। और ये जो भी एरर आपको दिखा रहा है इसको आप इम्पोर्ट आप कीजिए, और जैसे आप इंपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट हो चुका है। यानी हमने तीन एनोटेशंस मैंने यहाँ पे यूज किया है, एंटिटी, जनरेटेड वैल्यू और आईडी। अब सिंपल सा मीनिंग समझो, एंटिटी का मतलब सिंपली आप समझिए, इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लास है डेटाबेस में जाके टेबल बन जाएगा। जनरेटेड वैल्यू क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी जिस वेरिएबल से पहले, जिस फील्ड से पहले आपने ये लिखा है आपने, है ना, उसको वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। और आईडी जो हमने यहाँ पे आईडी जो यूज किया है, ये आईडी एट द रेट आईडी क्या करेगा, वो उसको प्राइमरी की सेट कर देगा। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से हो गया, और इसको हम सेव कर लेते हैं। बस इतना ही काम आपको करना है जो बहुत ही इजी आप लोगों को लग रहा होगा। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, हमें तो डेटाबेस के बारे में बताया ही नहीं, कनेक्टिविटी तो हमने किया नहीं, तो वो सब चीजें कहाँ पे करना होगा और कैसे करना होगा। सबसे पहले हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू भी हम पास करते हैं, इससे तो ये होगा कि चलो टेबल तो बनेगा, लेकिन एक डिफॉल्ट वैल्यू भी अगर मैं देना चाहता हूँ या कुछ वैल्यू भी देना चाहता हूँ, इम्प्लॉय आईडी आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लॉय आईडी को मैंने जनरेटेड वैल्यू किया है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, तो वहां पे हमें वैल्यू देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक और क्लास बनाना होगा और वहां पे हमें मेन मेथड को रखना होगा। तो यहाँ पे सेम पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू बटन पे जाना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है, क्लास में लेना है, और इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, मान लो मेन दे दिया, आप जो भी नाम देना चाहें। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को आप टिक कीजिए, और अब आप फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा, ईएमपी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बना दीजिए, और यहाँ पे ईओ डॉट, उस तरफ सभी के लिए मैंने सेट मेथड बनाया हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, अगर आपको आईडी को देना हो, एफ नेम, एल नेम, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए मैंने सभी के लिए सेट मेथड सभी के लिए बनाया हुआ है, ताकि इसके हेल्प से आप यहाँ तक वैल्यू पहुंचा सको। तो आपको करना क्या है, ईओ डॉट सेट, आईडी देने की जरूरत नहीं क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिक 1 2 3 होता रहेगा। चलो यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे दे दिया, मैंने ए ए ए,
कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। और फिर ईओ डॉट सेट लास्ट नेम, लास्ट नेम में हमने दे दिया बी बी बी, इसके बाद हो गया, इतना काम हमने कर दिया, डेटा भी पास कर दिया। अब मेन काम अब आपको समझना है कि अब हमें क्या यहाँ पे करना होगा, और इस चीज को आप बेहतर तरीके से कभी समझ पाएंगे। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आप समझिए, और वो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि इसके बाद हम डेटा को सेव हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है, एक इनबिल्ट क्लास होता है जिसका नाम है सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाया, एस नाम दे दिया, एस एफ दे देता हूं इसका ऑब्जेक्ट का नाम। न्यू कॉन्फ़िगरेशन, न्यू कॉन्फ़िगरेशन मेथड डॉट कॉन्फ़िगर मेथड डॉट बिल्ड बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड, कुछ इस तरीके से लिखना होगा। क्या मीनिंग है सभी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। अब ही आपको करना क्या, ये जो भी एरर आपको दिखा रहा है पहले इसको इंपोर्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाला, आपको सबसे ऊपर आपको लॉगिन वाला दिखेगा, ये आपको नहीं लेना है, नीचे वाला आपको लेना है ना, जहाँ पे है क्या हाइबरनेट सीएफजी डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपको इंपोर्ट आपको कर देगा। अभी यहाँ से एरर खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक लगेगा क्या कि इसको कट किया हुआ है ना, तो ये जस्ट वार्निंग है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, एरर नहीं है। अब देखिए अब ये क्या करता है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेशन फैक्ट्री, ये इनबिल्ट क्लास है, और ये क्लास तभी आता है जब आप ये हाइब्रिड का जार फाइल्स आप ऐड करते हो तो ही ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी मैंने एनोटेशंस यूज किया है, एट द रेट एंटिटी यूज किया है, एट द रेट आईडी यूज किया है, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू यूज किया है, ये सभी जो है अगर इसको आप ऐड नहीं करते हो और अगर आप यहाँ पे लिखते हो इम्पोर्ट करोगे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रेमवर्क होता है, उसके लिए आपको एडिशनल लाइब्रेरी फाइल ऐड करना कंपलसरी होता है। जब तक कि ये प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं होगा, आपको ये सब ऑप्शंस आएगा ही नहीं, आप कीवर्ड लिखोगे ये इंपोर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगा। क्लियर होगा कि अभी आपको समझ में आया होगा कि ये फाइल को मैंने क्यों ऐड किया है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि हाइब्रिड का जार फाइल हमें क्यों ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखिए सेशन फैक्ट्री जो क्लास है, इनबिल्ट क्लास, इसका काम क्या है। सेशन फैक्ट्री जो है एक जावा को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है जिसके हेल्प से विदाउट यूजिंग द एसक्यूएल सिंटैक्स आप डेटाबेस के सभी ऑपरेशंस को कैसे आप परफॉर्म आप कर सकते हो। तो वो जस्ट एक इन्वायरमेंट दे रहा है जावा को, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेशन फैक्ट्री को हमें कन्फिगर करना पड़ेगा। तो यानी अब पूरा मीनिंगफुल है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, मतलब क्या कि एक इंटरनली वो एनवायरनमेंट वहां पे दे देता है, और ये सभी एनवायरनमेंट किसके पास आ जाएगा, एसएफ के पास, यानी जो जितना भी आपने यहाँ पे अभी बिल्ड किया है सब सभी किसमें स्टोर हो जाएगा, एसएफ जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और क्लास यूज करना है सेशन। आपको ध्यान होगा कि आपने पहले जो देखा था सर्वलेट में एचटीटीपी सेशन था, उसका काम अलग था, लेकिन ये सेशन अलग है, ठीक है। एस कैपिटल आपको लिखना है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया एस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को आप समझिए क्या कि सेशन और ऑब्जेक्ट का नाम, अब ये जो भी कन्फिगर्ड हुआ है ये सभी किसके पास है, एस एफ के पास है। मैंने क्या लिखा, एस एफ डॉट ओपन सेशन, यहाँ पे जैसे ओपी लिखा आप यहाँ पे देख पाओगे, ओपन सेशन आपको दिखा रहा है। मतलब क्या, ये अब सेशन क्लास का काम क्या है कि सेशन फैक्ट्री के बारे में मैंने क्या बताया, एक एनवायरनमेंट दिया, वो सभी एनवायरनमेंट किसके पास है, एसएफ के पास है। अब ये सब चीजें डेटाबेस से कनेक्शन के लिए बात हो रही है, तो डेटाबेस से जब ये कनेक्ट होगा तो डेटाबेस को ओपन कौन करेगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सेशन के हेल्प से। अब यहाँ पे इसके हेल्प से यानी सेशन फैक्ट्री के हेल्प से आपने ओपन सेशन किया, मतलब डेटाबेस को ओपन किया, और डेटाबेस ओपन होकर आपने किस में स्टोर कर दिया, उसको एस में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे इसको भी आप इंपोर्ट करना होगा, सेशन को इंपोर्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट किया, ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस ओपन हुआ, डेटाबेस ओपन होने के बाद अब आप
को ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो अभी ये सभी यानी डेटाबेस ओपन हो गया, अब डेटा किस में आ चुका है, एस में आ चुका है। हम क्या लिखेंगे, एस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा अब, ठीक है। अब जैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जैसे स्टार्ट होगा आप डेटा को सेव करना चाहोगे, तो कैसे आप सेव करोगे, सेशन का ऑब्जेक्ट एस है, डॉट सेव, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है यानी ईओ, क्योंकि यही मुझे स्टोर करना था, ए ए और बी बी जो भी आपने नाम दिया है यही सब डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए था। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ईओ जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने ये सब डेटा में स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ईओ लिख देना है, ईओ की हेल्प से जो भी आपने डेटा दिया है वो सभी डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपको बताना है कि ट्रांजेक्शन हैज बिन कंप्लीटेड। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एस डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट मेथड, है ना। कमिट मतलब क्या, यस इट्स बिन डन, है ना, कुछ इस तरीके से। यानी एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा, सेशन फैक्ट्री जावा को एक इन्वायरमेंट देता है जहां पे आप विदाउट एसक्यूएल सिंटैक्स लिखे हुए जावा का और डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस को ओपन करेगा, ओपन होने के बाद सब एस में आएगा, जैसे डेटाबेस ओपन हुआ ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ फिर डेटा सेव हो करेगा और फिर लास्ट में उसको कमिट करेगा। बस इतना आपको काम करना है। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो मैंने डेटाबेस के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि कौन से डेटाबेस में जाएगा, कैसे जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक एडिशनल फाइल आपको चाहिए और वो फाइल होता है एक्सएमएल फाइल। अब एक्सएमएल फाइल कहाँ से आएगा, तो जब आप ये फाइल जो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड का जार फाइल, जब आप डाउनलोड आप करते हो आप, है ना, इंटरनेट से, तो वहां पे आपको एक एक्सएमएल फाइल भी आपको वहां पे बना बनाया वो देता है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे, वो मैंने जब इसको किया था तो वो फाइल मैंने डाउनलोड करके रखा है, वो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से फाइल आपको दिखेगा, अभी आपके सामने में जो आपने आपको दिखा रहा हूँ ये जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करके डालने वाला हूँ, और इसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे और सब कुछ काम आपका हो जाएगा। कैसे होगा, लेकिन एक्सएमएल फाइल हम कैसे बनाएंगे आप समझो। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट रखना है, राइट क्लिक करना है न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे फाइल एक एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हाइबरनेट 1, इसके अंदर जाना है और सोर्स को सेलेक्ट करना है, न कि सोर्स के अंदर जाना है। सोर्स के अंदर ऐसे हो जाएगा, सोर्स के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ SRC जो है सिर्फ उसको आप सेलेक्ट कीजिए, और फाइल का नाम आपको देना है hibernate.cfg.xml। ये नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनबिल्ट वहां पे बनाया गया है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे इसका नाम क्या, और जैसे है केस सेंसिटिव भी है, आप अगर एच कैपिटल दे देते हो तो फिर प्रॉब्लम करेगा। जैसा मैंने लिखा है सभी स्मॉल में उसी तरीके से इसका नाम होगा, एग्जैक्टली यही नाम यूज करना है, hibernate.cfg.xml। CFG मतलब कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैंक फाइल आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है, और वो फाइल मैंने आपको बताया आपको बना बनाया फाइल आपको मिलता है, जस्ट इसी को मैंने कॉपी कर लिया है फाइल, ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा और जस्ट इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको दिखेगा, कुछ टैग्स टाइप आपको दिखेगा, है ना, जैसे HTML में हम लोग टैग देखा करते थे, या हम लोग सर्वलेट जब देखा करते थे, तो उस वक्त भी मैंने आपको टैग के बारे में बताया था। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग ऊपर ओपन है, नीचे क्लोज है, उसके बाद फिर सेशन फैक्ट्री है जो मैंने आपको सेशन फैक्ट्री के बारे में बताया भी था, और फिर यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को क्लोज किया है, और इसके अंदर प्रॉपर्टी है, और फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में हम धीरे धीरे सभी के बारे में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, अब आपको लगेगा कि हाँ ये आप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा ड्राइवर है, यस और नो, समझ में आ रहा होगा। JDBC ड्राइवर के बारे में आपको बताया था, एग्जैक्टली वही लिखा है मैंने, com.mysql.jdbc ड्राइवर, वो कहाँ लिखना है यहाँ पे देखो, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, hibernate.connection, यानी हाइबरनेट के थ्रू कनेक्शन करना है, और ड्राइवर का क्लास क्या है, ये है ड्राइवर क्लास। कनेक्शन URL क्या है, JDBC का कनेक्टिविटी MySQL के साथ करना है, लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट होगा, उसका पोर्ट नंबर है 3306 होता है, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम आपको देना होगा, और डेटाबेस मैंने पहले से बना के रखा है, मैं आपको फिर से शेयर करूँ, डेटाबेस का नाम मैंने रखा है हाइबर DB रखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है,
हाइबर डीबी आप नाम दे दीजिए। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कनेक्टिविटी दे दिया और बता भी दिया कि इस डेटाबेस में जाके काम करना है। और आप जानते हो कि MySQL का यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड मैंने बताया था, अगर आप रूट यूज करते हो तो पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था रूट, लेकिन मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो इसको हटा दिया। यूजर नेम आपको रूट यूज करना है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आपको डायरेक्टली मैं नीचे लेके आऊंगा, बाकी पॉइंट में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, और फिर सबसे लास्ट में आना है आपको। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैपिंग क्लास, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से क्लास पे आप काम करना चाहते हो, जिसे आप टेबल बनाना चाहते हो, उसका कंप्लीट पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम आप लिखो। तो मेरा क्लास कौन सा है? ईएमपी क्लास है, ठीक है। मेन क्लास का नाम नहीं लिखना है आपको, बताऊं मैं, मेन क्लास का नाम कुछ नहीं लिखना है आपको, ईएमपी क्लास है। ये मेरा टारगेट था कि ये मुझे बनाना था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर मैपिंग क्लास जो टैग है, यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, पैकेज का नाम g.a.w.emp, और इसको सेव कर लीजिए। बस इतना आपको काम करना होगा। अब हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, मैं थोड़ा सा कंसोल को भी ऊपर करके रखता हूँ। अभी अगर मैंने सब कुछ सही से किया होगा तो यहाँ पे सब काम हो जाना चाहिए। और अब रन किसे करेंगे, आप लोग जानते हैं जब भी मेन मेथड की बात करते हैं तो हम लोग मेन मेथड वाले फाइल पे रन करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। उससे पहले आप यहाँ पे डेटाबेस देखो कि डेटाबेस में यहाँ पे ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, कोई टेबल यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं पहले। यहाँ पे हम इसको रन करके देखें, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, और आप यहाँ पे अब देखेंगे क्या कि आउटपुट में आपको क्या दिखा रहा है। आउटपुट जब आया उस वक्त आपको दिखा रहा है कि इंसर्ट इनटू टीबीएल, और ये डेटा स्टोर कर चुका है वो, ये बता रहा है ना, ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अब आप वहां पे चल के देखो कि डेटाबेस में क्या हो रहा है। डेटाबेस में के पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आप देखेंगे कि हाइबर डीबी जहां पे पहले ब्रैकेट में 1 नहीं था, अब 1 आ चुका है, और जो हमने क्लास वहां पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे टेबल बन चुका है। और इस पे आप क्लिक करके आप देखो तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है इम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। राइट, क्लियर होगा अभी, समझ में आया कि यहाँ पे बिना, तो अभी आप सिंपल सा आप समझो कि अभी मैंने कहीं पे भी कोड मैंने ये नहीं आपको लिखा कि आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट टेबल करो, इंसर्ट करो, ऐसा मैंने कहीं पे भी कोडिंग लिखते वक्त कहीं पे भी ये चीजें मैंने नहीं लिखा था। लेकिन फिर भी आपका डेटाबेस, आपका क्रिएट डेटाबेस के अंदर जाके टेबल आपने बना लिया, और ये पूरा जावा से ही आपने किया। मतलब अभी पहले का जो आपने बनाया हुआ था, पहले जो नॉर्मली हम लोग बनाया करते थे MySQL के थ्रू, उसको हैक करना और इसको हैक करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। उसको आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कंप्लीट आपने स्किल में चीजें किया था, लेकिन ये कंप्लीट जावा में ही आपने इस टेबल को आपने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे स्पीड भी बहुत अच्छा होगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी आप समझ सकते हो कि बिना एक भी लाइन MySQL का लिखे हुए हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर लिया, और उसमें डेटा भी हम स्टोर हम किस तरीके से करते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। राइट, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पे ये किस तरीके से ये काम करता है, और सिक्योरिटी यहाँ पे किस तरीके से इनेबल्ड होता है वो आपको बेहतर तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, अभी हमने एक यहाँ पे डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब आप देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को आप समझिए कि हाइबरनेट एक्सएमएल के बारे में, कि यहाँ पे मैपिंग क्लास के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रू लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है हाइबरनेट डॉट सो अंडरस्कोर एसक्यूएल, मतलब क्या कि यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे जो दिखा रहा था ना, ये आपको यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटरनली जो है, यहाँ पे आउटपुट में आपको जो कुछ भी आपको देख देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनली जो है
पहले ड्रॉप चेक किया कि इस नाम का टेबल पहले से था क्या, नहीं था तो उसने क्रिएट कर दिया आपको, है ना। लेकिन हमने कोडिंग में कहीं लिखा नहीं, ये एग्जीक्यूट होने के बाद इंटरनली वो काम सब इंटरनली करके आपको दे रहा है, आपको मैनुअली कुछ भी MySQL का सिंटेक्स नहीं लिखना है, ये हर चीज यहाँ पे इंटरनली वो करके आपको दे दिया है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इनेबल हो जाता है और आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी अभी आप देख रहे हो कि टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा रहा है, इंसर्ट करने का जो सिंटेक्स था वो आपको आउटपुट में आपको दिखा रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे नहीं देखना है ना, तो ये जो ट्रू लिखा हुआ है ना इसको आप फॉल्स कर दो, ठीक है। जैसे इसको आप फॉल्स आप कर देते हो, अब सेम प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ठीक है। और एक कुछ चीज और आपको, आप देखो यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया, आप डेटाबेस में जाके आप देख रहे हो अभी हमारे पास 1 AA और BB कुछ इस तरीके से स्टोर्ड है, एक डेटा स्टोर्ड है। अब आप देखो, अब मैं दूसरा डेटा में यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तो दूसरा डेटा मैं यहीं से देता हूँ, क्या मान लो कुछ लिख दिया मैंने YY और यहाँ पे दे दिया ZZZ कुछ इस तरीके से दे दिया। और अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आप देखो वहां पे सिर्फ आपको लास्ट में क्या दिखा रहा है, स्कीमा एक्सपोर्ट कंप्लीट, जो MySQL का सिंटेक्स जो आउटपुट में आपको दिखाता था ड्रॉप टेबल और क्रिएट टेबल और इंसर्ट वाला, वो पार्ट अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने वहां पे फॉल्स कर दिया था। तो अभी आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि इसका क्या रोल है, फॉल्स क्यों लिखा गया, ट्रू लिखा तो आपको दिखेगा कंसोल पे और फॉल्स लिखा तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अभी मैंने डेटा चेंज किया था, है ना, पहले कुछ AA BB रखा था, बाद में मैंने YYZ कर दिया, लेकिन आप अगर डेटाबेस में जाके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैं जैसे अभी आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 AA BB दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आप देखोगे कि पहला वाला डेटा इरेज हो चुका है, मतलब ओवरराइड हो गया, और यहाँ पे जो लास्ट में जो डेटा दिया था वही डेटा दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। ये आप बोलोगे तो ड्रॉबैक है, अब दूसरा डेटा दे रहे हो तो दूसरा डेटा आ जा रहा है और पहला वाला डेटा खत्म हो जा रहा है, ऐसा तो हम लोग JDBC में नहीं हो रहा था, JDBC में जितना डेटा देते चलो रो के नीचे जाते जाता था, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने XML फाइल में कुछ चेंजेज मुझे और करना था और वो मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो किया है आप देखो यहाँ पे है ना, ये HBM2DDL.auto यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। तो जितनी बार ये प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करते हो उतनी बार वो क्या करेगा, उतनी बार जितनी बार आप रन करते हो उतनी बार इंटरनली PMP नाम का जो टेबल बना हुआ है उसको ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद फिर से नया टेबल बनाएगा और उसमें वो फिर नया डेटा को वो वहां पे इंसर्ट कर देगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं करो, पहले जो भी है उसको भी रहने दो, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपडेट, समझ में आ रहा होगा, क्रिएट था पहले, अब मैंने अपडेट कर दिया, चलो ठीक है अपडेट कर दिया, और अब मैं यहाँ से कुछ दूसरा डेटा पास कर रहा हूँ, YY था, अब मैंने यहाँ पे कर दिया PP और QQ, है ना। तो पहले इससे पहले हमें हमारे पास YY और Z था, अब हम देखते हैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि अब जो है ये ओवरराइड हो तो नहीं रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने फिर से रन किया इसको, और अब आप यहाँ पे आइए और इसको आप देखेंगे तो आप देख सकते हो, आप पहले का डेटा भी रखा उसने और दूसरा जो हमने रखा जो भी दिया था सेकंड ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हुआ था, तो हमने आईडी तो पास किया नहीं है, आईडी वो ऑटो इंक्रीमेंट ले रहा है, 1 और 2 हो गया और फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस तरीके से कितना भी आप डेटा देते चलोगे तो सब कुछ यहाँ पे काम करता चलेगा। तो अभी आपको ये भी चीज समझ में आ गया है यहाँ पे कि मैपिंग क्लास का क्या मतलब है, यहाँ पे अपडेट और क्रिएट क्या करता है, ये ट्रू और फॉल्स क्या करता है, ठीक है, और फिर इसके बारे में हम कैसे के बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे और बाकी चीजों के बारे में भी आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी जितना मैंने आपको बताया आई होप कि इतना पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक, ठीक है, आसान लग रहा होगा, यस और नो, है ना। यस, वो भी होता है, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपने एक बनाया, ठीक है, अभी हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल हमने बना लिया, EMP नाम का टेबल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक और टेबल बनाना है इसी डेटाबेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दो, जैसा हमने अभी ईएमपी बनाया था सेम उसी तरीके से एक और हम क्लास क्रिएट कर देंगे। मैंने क्या किया, सेम उसी पैकेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू लिया, यहाँ पे क्लास, मान लो क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, और इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर में दे दिया रोल नंबर, प्राइवेट में दे दिया क्या स्टूडेंट नेम, प्राइवेट में दे दिया स्टूडेंट एड्रेस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप देना जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो प्राइवेट में है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को अगर मुझे टेबल में बनाना हो तो इससे पहले कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया एट द रेट एंटिटी, और यहाँ पे रोल से ऊपर क्या लिखेंगे, इसको अगर प्राइमरी की बनाना हो तो एट द रेट आईडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू, और ये सभी को इंपोर्ट कीजिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, और यहाँ पे ऊपर जो है परसिस्टेंस डॉट एंटिटी उसको आपको लेना है, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे सभी के लिए सेटर्स एंड गेटर्स क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करते हुए सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सभी को और ओके कीजिए, ठीक है। और अब ये आपका काम हो चुका है, अब हमने सब कुछ क्रिएट तो कर दिया, बट एक डेटा पास कर देता हूँ, मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो कौन सा क्लास है मेरे पास, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू एस नहीं एस ओ नाम देता हूँ, और न्यू स्टूडेंट, और एस ओ डॉट सेट, रोल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, नेम पास कर देता हूँ, नेम मैंने कुछ भी दे दिया ए ए ए कैपिटल में, और यहाँ पे एस ओ डॉट सेट एड्रेस डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस में हमने दे दिया पुणे, और कुछ इस तरीके से रखा है ना। अब ये भी आपको सेव करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एस डॉट सेव ईओ यानी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को सेव किया था, सेम उसी तरीके से एस डॉट सेव, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है एस ओ है ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है एस ओ, इस और एस ओ को यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे, और फिर आपको एक्सएमएल फाइल में भी जाके मैपिंग करना पड़ेगा, यानी इस हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्स एम एल फाइल के अंदर हम जाएंगे, और जिस तरीके से यहाँ पे हमने मैप किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे आके हम इस क्लास को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टूडेंट, राइट, इसको सेव कर लेंगे, बस ये काम हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट ही रखता हूँ, और पूरा फ्रेश डेटा रहेगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको रन करके देखिए, यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या दिखाएगा कंप्लीट, और वापस से हम लोग डेटाबेस में आते हैं, अभी हमारे पास एक ही दिख रहा है, तो इसको हम रिफ्रेश करके देखें, और अभी आपके पास यहाँ पे दो दिख रहा है ईएमपी एंड स्टूडेंट, ईएमपी पे क्लिक करते हैं, एक ही डेटा है क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे क्रिएट कर दिया था, और स्टूडेंट पे भी जाके आप देखो वहां पे भी आपको यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। क्लियर होगा, समझ में आया कि आप कितना भी आप बनाना हो तो आप सिंपल सा मॉडल क्लास आप क्रिएट कीजिए, मॉडल क्लास बनाने के बाद उसका इंफॉर्मेशन आप एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे मैप कर दीजिए, और बस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे सेशन के अंदर जाके उसको सेव कीजिए और ट्रांजेक्शन को कमिट कीजिए। तो इस तरीके से हम इस हाइबरनेट के प्रोग्राम को मैंने आपको बताया, और आप लोगों को काफी इजी लग रहा होगा, जब आप करेंगे तो आप लोगों को भी ज्यादा थोड़ा सा मजा जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं समझने में, ऑल ओके है,